Call Haris Yousafzai. Calling Haris Yousafzai. ओके तो हारिस से बात हो गई है. हारिस मुझे 10 बजे पिक करने आ जाएगा और मुझे एयरपोर्ट छोड़ देगा. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं एयरपोर्ट जा क्यों रहा हूँ. दैट स्टोरी आई विल शेयर विद यू इन दिस ओल्ड स्कूल व्लॉग जस्ट लाइक द ओल्ड टाइम्स. देखो भाई, व्लॉग की 50 लाख डेफिनेशन हो सकती हैं, लेकिन मैं जिसको व्लॉग समझता हूँ, रॉ, रियल, स्पॉन्टेनियस विद अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरी, आई थिंक ये मेरा पहला व्लॉग है इन ऑलमोस्ट 1.5-2 ईयर्स. तो अब सीन ये है कि अगले 40 मिनट के अंदर मुझे अपना सारा इक्विपमेंट पैक करना है, अपने सारे कपड़े पैक करने हैं और फिर घर से निकलना है. वो पुराना टाइम था भाई, जब आप फ्लाइट के लिए घर से 2.5-3 घंटे पहले निकलते थे. नाउ टाइम्स हैव चेंज, सो आई हैव टू लीव 5 आवर्स, 5.5 आवर्स बिफोर द फ्लाइट. लैपटॉप सबसे पहले, 50mm लेंस, वाइड एंगल 17-20 है. इसके बगैर व्लॉग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट्स अ वाइड लेंस. व्हेन यू आर होल्डिंग द कैमरा, टॉकिंग टू द कैमरा, तो दिस रियली हेल्प्स. अब मैं कन्फ्यूज हूँ थोड़ा सा कि 35 prime रखें या 24 prime रखें. ज़रूरत दोनों की नहीं है, लेकिन ऐसे लग्जरी में 35 रखी मैंने. एक्चुअली 24 थी, क्योंकि मैंने सोचा था दुबई में ये वाला जो शॉट होगा, ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये मैं 24 पे करूँगा. लेकिन वहाँ टाइम नहीं मिला, इसलिए अभी कर रहे हैं. और ये शॉट जो है, ये अभी भी 24 पे ही हो रहा है. चीज़ें निकालनी है सारे, अब पैक करने. तो वी हैव लेंस 1, लेंस 2, यहाँ पे आ जाएगी लेंस 3, यहाँ पे आ जाएगा कैमरा. फॉर्म फिल कर देंगे बंद. इधर रखूँगा मैं SSD और इसके पीछे यहाँ रखूँगा लैपटॉप. तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली पैकिंग हो गई. अब ज़रा थोड़ी गैर ज़रूरी चीज़ें, कपड़े और जूते. 3 t-shirt, एक काली, एक सफ़ेद और एक काली. यू कैन नेवर हैव इनफ काली टी शर्ट्स बाय द वे. एक ट्राउज़र, एक जीन्स काफ़ी है, ज़्यादा दिन के लिए तो जा नहीं रहा, इट्स जस्ट 3 days. एक अदद स्नीकर्स फॉर ऑब्वियस रीजन. हो गई पैकिंग. इससे ज़्यादा टाइम पैकिंग में लगना नहीं चाहिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल है. एंड दिस वीडियो इज़ बीइंग मेड इन कोलैबोरेशन विद लेस. मैं जा रहा हूँ दुबई एक्सपो 2020 देखने के लिए. नॉट अलोन, लेस इज सेंडिंग मी टू दुबई विद माई वाइफ, बिकॉज दीज एक्सपीरियंसिस आर ऑलवेज बेटर व्हेन शेयर्ड. मैं जा रहा हूँ एक्सपो देखने के लिए. एक और प्लान था 14 तारीख का, लेकिन छोड़ें. तो मैं जा रहा हूँ एक्सपो देखने के लिए. अगर आप भी देखना चाहते हैं एक्सपो, तो लेस के पैक पे आपको मिलेगा QR कोड, नज़र आया ये, इसको स्कैन करें, आपको डिटेल सारी पता चल जाएंगी. यू कैन एंटर अ ड्रॉ एंड विन अ ट्रिप फॉर 2 दुबई एंड दुबई एक्सपो. तो चेक करें, इतने सालों से उसकी हाइप सुन रहा हूँ भाई, दुबई एक्सपो होने वाला, दुबई एक्सपो होने वाला, अब हो रहा है, तो उसको इन पर्सन देखना बनता है. जब मैं वापस आऊँगा ना, तो आपको फुर्सत से कहानी सुनाऊँगा कि मेरे रूम की हालत ऐसी क्यों. अभी इसका टाइम नहीं. PCR टेस्ट कौन उठाएगा? PCR टेस्ट भी तो उठाने. ऐसे होते हैं दोस्त. देखो सुबह सुबह आ गया मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए. थैंक यू हारिस भाई. वाईकम. हारिस के नखरे देख के शायद आपको लग रहा हो कि सुबह के 6 बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं. और 11 बजे इनके नखरे देखो, जैसे इनको गहरी नींद से उठा दिया. कल सोऊंगा लंबा, कल सुकून से 4-5 बजे उठूंगा. और अब हम जा रहे हैं अपना रैपिड PCR टेस्ट कराने, जिसका रिजल्ट आता है 2 घंटे के अंदर. मैं एयरपोर्ट के बहुत करीब रहता हूँ और अक्सर कंप्लेन करता रहता हूँ कि यार मेरे घर से शहर बहुत दूर है, बहुत लंबी ड्राइव हो जाती है. लेकिन आज मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि पहली दफ़ा अच्छा लग रहा था कि एयरपोर्ट घर से बहुत करीब. अभी देखें आप, सारे पैसेंजर जो हैं वो रैपिड PCR करा के बैठे रहेंगे वहीं 1-1.5 घंटा. हम जा रहे हैं घर, खाना वाना खाएंगे, चिल करेंगे, उसके बाद आराम से आएंगे तीसरे में. A few moments later. I don't know about you, कि मुझे आप कितने टाइम से देख रहे हैं, लेकिन ये सारे शॉट्स देख के, एयरपोर्ट जाना, पैकिंग करना, ये वो, ये सब देख के मुझे बहुत ज़ोर से नॉस्टैल्जिया हो रहा था. 70% नॉस्टैल्जिया, 30% डेजा वो. रिमेंबर द नेम, गाना याद आ गया. आप इरफान हैं ना, मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना पसंद करूँ. आप सेल्फी देना पसंद करेंगे? हाँ ले लो भाई. दो. आपके साथ सेल्फी लेना पसंद करूँ. तीनों हज़रात, हमारी फ़्लाइट रवानगी के लिए तैयार है. और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को आजकल के ज़माने में बोलते हुए देखा है कि यार मैंने इतना खाली एयरपोर्ट कभी नहीं देखा. वो फीलिंग आज मैं एक्सपीरियंस कर, मैंने इतना खाली कराची एयरपोर्ट आज से पहले कभी नहीं देखा. अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता फ़्लाइट खुल रही. अभी हम जा रहे हैं, हमारी नाम कॉल हो गया.
ये है कि मैं भूल गया हूँ, इधर इधर देखना होता है, इधर इधर देखते हैं। तो सीन ये है कि ये इलाके का नाम बर्शा है, शहर का नाम दुबई है। हम यहाँ पे आ गए हैं, हमने चेक इन कर लिया, बड़ा आलीशान कमरा है, सारी आसाइशें हैं। बाथरूम जो है ना, मैंने आज से पहले ऐसा बाथरूम किसी होटल में अपनी आंखों से नहीं देखा। मतलब वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा, लेकिन ख़ुद जिस कमरे में मैं स्टे कर रहा हूँ, इतना बड़ा मैं इस बाथरूम में रनिंग कर सकता हूँ। तो आई गिव यू अ स्मॉल टूर ऑफ द बाथरूम, आइए। तो दिस इज़ द बिगेस्ट बाथरूम, सॉरी अबाउट द एको, दिस इज़ द बिगेस्ट बाथरूम दैट आई हैव पर्सनली एवर बीन टू। देखें यहाँ पे ना, मुझे थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है कि शायद आप मुझे जज कर रहे हो, तो मुझे अपने आप को क्लैरिफाई करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन कराची, और कराची बॉयज़ की एक खास ट्रेड होती है कि वो जगह का साइज़ ना स्पोर्ट्स से कंपेयर करके बताते हैं। इसके लेवल्स होते हैं, वन टिप क्रिकेट, डबल विकेट क्रिकेट, फुटसॉल, फुटबॉल, पूरे ग्राउंड क्राउड के साथ मैच हो सकता है। तो इस ना जगह के साथ हम बताते हैं कि इतनी बड़ी जगह थी, हमें ये नहीं पता कि इतने फेड, इतने यार्ड, इतने एकड़, नहीं भाई ये कनाल मरला हमें नहीं आता भाई, वहाँ पे फुटसॉल हो सकती थी, मतलब हॉल जितनी जगह थी, समझ रहे ना। ओके लेट्स कंटिन्यू। देखें कदम, देखें आप, 1 2 3, यहाँ विकेट बनेगी, इधर कीपर खड़ा होगा भाई, बहुत बड़ा बात है। इट फील्स रियली गुड टू बी बैक इन दिस सिटी। मुझे याद भी नहीं है मैं लास्ट टाइम कब आया था, तो बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, वो आपको किसी और दिन सुनाएंगे क्या यादें। अभी के लिए वक्त कम है, नींद पूरी करनी है, बिकॉज टुमारो इज़ अ रियली बिग डे, जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ एक्सपो देखने के लिए। अभी हमने सामान अपना सारा अनपैक कर लिया है, कॉपी करेंगे सारी फुटेज, बैटरी शैटरी चार्ज करेंगे और निन्नी करेंगे, क्योंकि जब निन्नी नहीं होगी ना कल का दिन बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आई सी यू टुमारो, बाय। ओके जी, तो आज है वो दिन जहाँ हम एक्सपो जाएंगे। मैं 2018 में दुबई गया था PSL कवर करने, और तब से मैं एक्सपो की मार्केटिंग होते हुए देख रहा हूँ। जहाज़ पे लिखा हुआ है, बिलबोर्ड पे लिखा हुआ है, टिकट पे लिखा हुआ है, हर जगह एक्सपो की मार्केटिंग चल रही है। तो मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि क्या चीज़ है ये एक्सपो, और फिर हमने जाके देखा कि क्या चीज़ है ये एक्सपो। हम लोग एक्सपो आ गए, और एक्सपो आते ही प्रो टिप नंबर 1 मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर आएँ तो सनग्लासेस लेके आइएगा, आँखें चुंदी आ गई हैं, इतनी कड़कती धूप है, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत है, क्योंकि यहाँ के जो एक्साइटमेंट की वजह दिखाते हैं आपको, मुलायजा फरमाए टीज़र। अगर आपको बड़ी बड़ी लाइन से बचना है तो टिकट ऑनलाइन ख़रीद लें, जिस तरह हमने ख़रीदा था एक्सपो की ऐप से, तो आपका टाइम बच जाएगा। यो वेलकम, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है यार, इट्स ओके। यहाँ पे मैं आपको एक बोनस प्रो टिप देना चाहता हूँ कि हर पवेलियन के स्टार्ट में क्यू है, और क्यू में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, लेकिन आप ऐप से पहले से अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, जिसको कहते हैं स्मार्ट क्यू, तो आपको पवेलियन के क्यू में लगना नहीं पड़ेगा। ये बात मुझे नहीं पता थी, तो जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है वो आपका नहीं होगा। यू आर वेलकम, थैंक यू। सस्टेनेबिलिटी डोम के अंदर ये पहली एग्जीबिशन है, जिसका नाम है अंडर द फॉरेस्ट। अभी अंडर द फॉरेस्ट देख रहे हैं क्या क्या होता है। How would you feel when you needed someone to hold on to? They turn it back, you know, turn it back. So that was the sustainability pavilion. Bahut zyada andar information thi, main sab kuch summarize kar nahi sakta. Short summary ye hai ki if we don't change how we consume and how we live our lives, to planet zara khatre mein. Ye Italy ka pavilion hai, jo ki meri list mein to nahi hai, lekin iske top pe likha hua hai, nazar nahi aa raha lekin likha hua hai, beauty connects people. इस लाइन की वजह से मैं जा रहा हूँ। जो पेंट आप ज़मीन पे देख रहे हैं दैट इज़ मेड ऑफ ऑरेंज पील्स, और जो पेंट आप दीवार पे देख रहे हैं दैट इज़ मेड ऑफ कॉफ़ी बीन्स, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। ये सुन के ही मैं इम्प्रेस हो गया था। There is a 3D reproduction of the garden by my get fed by them by the CO2 and they release oxygen. So that was the Italian pavilion, और मैं भाई फुल इंस्पायर्ड हो गया हूँ। जो वहाँ पे आर्टिस्ट्री थी और इनोवेशन थी, स्पेशली वो जो एल्गी वाली चीज़ थी ना, ब्लोन अवे। उन्होंने बोला, मुझे पता नहीं है जो उन्होंने बोला वो मैं बता रहा हूँ, कि दैट्स द ओनली पवेलियन जहाँ पे एसी नहीं है और अंदर फुल चिल माहौल, सो जाए बंदा। रियली रियली इम्प्रेस्ड बाय द इटालियन, ब्यूटी कनेक्ट्स पीपल भाई, लिखा है उन्होंने जो बात। तो यहाँ पे शायद आप सोच रहे हो कि सही है, ये सब कुछ बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन तुम तो एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफर हो, तुम्हें ये सब चीज़ें इतनी इंस्पिरेशनल क्यों लग रही? देखो भाई, सिंपल सी बात है, जो भी आप कंज्यूम करते हैं ना अपनी लाइफ में, वो आपकी थॉट्स का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो इटालियन स्कल्पचर्स हो, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, या फिर माइंडलेस स्क्रॉलिंग हो। जो भी आप कंज्यूम करेंगे वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बनेगा। आई होप दैट मेक्स सेंस।
अगर सेंस बना तो मुझे बताइएगा, अगर नहीं भी बना तो कोई बात, आगे चलते हैं, आगे लंबी कहानी। दिस इज़ फिरदौस स्टूडियो बाय एआर रहमान। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ नॉट ओपन्ड येट। मेरा बड़ा दिल था इसको देखने का, क्या करें। यूएसए का पवेलियन सामने, यूएसए चेक करता हूँ। अमेरिकन फाउंडर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर एंड डिप्लोमेट So, what you see on my face right now is the feeling of disappointment. क्योंकि एक दफ़ा इटली के पवेलियन के बाद आप अगर यू एस के पवेलियन पर जाए तो इट फेल्ट वेरी आर्टिफिशियल। स्क्रीन थी, कुछ ना कुछ आवाज़ में आ रही थी बात के, हमारा लिबर्टी, फ्रीडम और परसूट ऑफ कुछ भी, मतलब नॉट इवन क्लोज टू इटली। तो अब हम जाएंगे पेप्सी प्लस लेस पवेलियन में एंड विल सी कि वो क्या एग्जिबिट कर रहे हैं। बड़ी स्क्रीन पे अपना नाम बड़ी स्क्रीन पे देख के अलग ही फीलिंग आता है। This is a professional soccer pitch. ये local ground है. And this was made from laid back. क्या innovation? अरे, hey friends. Hello. I can see you're having fun over there. Yeah, good time, sir. Thank you. I wish I could be there. Maybe I'll see you at the next game. Yeah, sure. Okay. Don't forget to bring the snacks. Yeah, don't worry. Bye. सो दिस पवेलियन वॉज अ लॉट ऑफ फन, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैसी से बात करवाई उन्होंने, मेरी छोटी छोटी खुशियाँ भाई इसमें खुश हूँ मैं। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि पेप्सी लेस दोनों के पवेलियन की एक अंडरलाइन थीम थी, दैट वॉज सस्टेनेबिलिटी। और आप इटली के पवेलियन से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पैलेस्टाइन के पवेलियन में इन्होंने जितनी भी चीज़ें एग्जिबिट की हैं, कोशिश की हैं कि आपके सारे सेंसेस इंगेज हों। अभी हम टच वाले सेक्शन में थे, अभी आगे एक एक सेंसेस करके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अमरूद, नाउ वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड ईट समथिंग, क्योंकि भूख लग रही है। सुबह कुछ खाए बगैर निकले थे, अलबैक आए हैं। मैंने तो पहले ट्राई किया हुआ है, लेकिन मेरी बेगम ने नहीं किया हुआ, तो उनसे पूछता हूँ कि उनको बर्थ द हाइप लगता है या नहीं। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग लगता है। गेटरेड के पवेलियन जाते ही मुझे सबसे पहले ये पता चला कि हुसैन बोल्ट साहब आए थे उसी दिन सुबह। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि काश मैं कुछ घंटे पहले आ जाता, लेकिन चलो किस्मत में नहीं था। तो वहाँ जाके एक गेम था रिफ्लेक्सेस चेक करने वाला, उसमें हुसैन बोल्ट ने भी स्कोर मारा था कोई बहुत ऊपर। मैंने भी ट्राई करना था कि भाई देखेंगे हुसैन बोल्ट फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ के रिफ्लेक्सेस से हम कहाँ कंपेयर करते हैं, नॉट कमिंग स्लो बॉय। तो मतलब इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सही था, मतलब इतना बुरा भी नहीं था। और सबसे मज़े की बात यह है कि गेटरेड की टीम में भी एक बॉय था जिसका स्कोर हुसैन बोल्ट से भी एक दो पॉइंट ऊपर था। मैं फाइन हाथ वाथ मिलाया मैंने उससे, सर क्या क्या करते हैं आप, क्या खाते हैं मुझे भी बताएं, गेटरेड पीते। एक्वाफीना के पवेलियन में भी द थीम अगेन वॉज सस्टेनेबिलिटी। वो लोगों को इंकरेज कर रहे थे कि या तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक मत यूज़ करें, अगर करनी है तो रिसाइकलेबल प्लास्टिक यूज़ करें। एंड वी गॉट अ रियली कूल स्टेनलेस स्टील बॉटल फ्रॉम देयर, उसमें हमने लाइम फ्लेवर्ड वाटर भरा, ठंडा चिल, और फिर हम तैयार हो गए उस पवेलियन में जाने के लिए, जिसमें जाने के लिए हमारा दिल तो सबसे पहले का था, लेकिन हमने रोक के रखा कि नहीं 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 भाई, स्टोरी के लिए विल सेव द बेस्ट फॉर लास्ट। ये स्टोरी का प्रिंसिपल है, इसकी बात हम किसी और दिन करेंगे। अभी पाकिस्तान पे भेजिए। विजुअली वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग पवेलियंस इन द होल एक्सपो वॉज पाकिस्तान। मैं ये बात जितना न्यूट्रल होके कह सकता हूँ उतना कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता आप जाके खुद देख लीजिएगा, आप भी यकीन कर लेंगे। पाकिस्तान पवेलियन का फोकस था टूरिज्म, कल्चर, हमारे सॉल्ट रिजर्व्स, और हम सॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान पवेलियन में एक छोटा सा वाक्य हुआ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। उस सब के बीच में दो अंग्रेज़ ख़वातीन वहाँ पर खड़े होकर वीडियो देख रही हैं सामने जो चल रही है सीक्रेट स्पेसिस की,
जो बनाई है जामी भाई। जामी भाई कौन? वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स इन दिस होल वर्ल्ड। और उन अंग्रेज़ खवातीन की शक्ल पर नज़र आ रहा है कि वो खो चुकी, उनको नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। दे आर सो इमर्स्ड कि वो वहीं फ़ैन हो गए। और वहाँ पर आपके भाई ने एक बात पकड़ी कि देखो यहाँ पर टूरिज़म भी दिख रहा है, कल्चर भी है, इंडस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन हमारा जो सिनेमेटोग्राफी गेम है ना एज अ कंट्री, दैट्स टॉप नॉच। मैंने बहुत सारे पवेलियंस में जाके वीडियोज़ देखी, जितनी अच्छी जितनी सिनेमैटिक वीडियो हमारी थी ना किसी और पवेलियन की, वहीं हम फैन हो गए भाई। जी जामी भाई, तो ये था पाकिस्तान पवेलियन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पवेलियंस इन दिस होल एक्सपो। मैंने मतलब मेरी बात नहीं है, ये आपको मैं इधर की बिगेस्ट अट्रैक्शन से मिला देता हूँ। जो पवेलियन के बाहर, पवेलियन के अंदर क्या सीन होगा, जो पवेलियन के बाहर बीस्ट आ गया ड्यूटी से बीस्ट का सफर। मुबीन भाई ज़रा ये मुबीन भाई आप तो जानते होंगे, मतलब क्या तारुफ़ करें। मुबीन भाई आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तानी पवेलियन यार आर्किटेक्चर वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पवेलियन इन होल एक्सपो सिटी। सर मेरी बात नहीं, हमदान इंग्लिश में बोला है मैंने, मतलब एक्स्ट्रा ये देख रहे हो आप एक्साइटमेंट। ये हमदान भाई हैं, ये मट्टी के खिलौने बनाते हैं, मट्टी के खिलौने बनाता हूँ भाई ये। अच्छा मैं आपको देखा एज एन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में बताता हूँ, आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाहर जो पवेलियन है ना ये इतना खूबसूरत है, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। अंदर आप घुसेंगे आपको कल्चर, हेरिटेज और सकाफत और ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो पोल्स अपार्ट वाली जो कहानी है ना, ये मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि ये इंटेंशनली और बहुत ही थॉट्स के साथ ये किया गया है इसका फैसला, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और बहुत अच्छा है, राशिद राणा साहब ने इसका आर्किटेक्ट बनाया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका काम है। मैं जिस एंगल से मैंने गोरों को फोटोग्राफर बनते हुए देखा, वो कभी यूं कभी ये कोई बहुत फैसिनेटिंग, बहुत कमाल, बड़ी साइंस लगाई है भाई। हमने तो करीब से जाकर देखा है कि क्या लगाया है उन्होंने राशिद भाई ने इसके अंदर। सो दैट वाज इट, दैट वाज द एक्सपो एंड दैट वाज द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू हैड एज मच फन एज आई डिड। इतना तो नहीं आया होगा क्योंकि मैं तो यहाँ पे था ना, मत समझने ना, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। ओके एंड थैंक यू टू लेज फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं, सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो न्यू लेज के पैक के पीछे QR कोड है, उसको स्कैन करें और ड्रॉ में एंटर हो जाएं फौरन से पहले। सो दिस वॉज द दुबई एक्सपो 2020। आई हैड एन अमेजिंग टाइम। अगर मुझे अपने एक्सपीरियंस को एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो ये सब इंजीनियरिंग, इनोवेशन, आर्किटेक्चर देखने के बाद I feel really happy and hopeful for the future generations, especially if all of us humans work together. And I feel it even more strongly because this is happening right after a pandemic. ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि दुबई आए, दुबई में वीडियो बनाई, और वीडियो में स्पेक्टिकल नहीं आया तो दुबई आए क्यों, ये बताओ। ये भी बात जिनको पता है उनको पता है। तो भाई ऐसे हो गया स्पेक्टिकल, ऐसे हो गई स्पोर्ट्स कार, और ऐसे हो गए सुनैन भाई, यहाँ आपके इरफान भाई हो गए चुन्नी बाबू। तो भाई दिस शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप टू दुबई एंडेड with me, Sunan, and the fastest production Ferrari in the world. Bhai, it's both electric and motor power. And Ferrari ki ye one of the fastest one hai. Last time jab maine ye harkat ki thi, main Aventador mein tha. Abhi hai Ferrari SF90. वहाँ स्ट्रेच है, घर के बाहर एक स्ट्रेच है, दो तीन स्ट्रेच है लंबे, वहाँ पर आप आराम से खेल सकते हैं। और बिटवीन कैंपस पता है मैं फरारी क्यों नहीं लेता, जिससे उतरना ना एक अजीब वर्कआउट है भाई।